हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। NCERT से दो नए विज्ञापन जारी हुए हैं वैकेंसी से रिलेटेड। सैलरी जिसमें 35,000 पर मंथ रहने वाली है। उम्र सीमा दो नए विज्ञापन हैं, तो एक में जो है 40 ईयर है और दूसरे में 45 ईयर है। इसके अलावा जो है आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगे कैटेगरी वाइज। अप्लाई कर सकते हैं सभी राज्यों के कैंडिडेट। कोई परीक्षा नहीं है, मात्र इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहां से परमानेंट भी वैकेंसी आती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसी आती है। जैसे ही वैकेंसी के विज्ञापन जारी होते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले जो रेगुलर बेस पर वैकेंसी आई मैंने आप लोगों को बताया, और अभी जो है उसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। जिन भी कैंडिडेट को नहीं पता है तो लेटेस्ट अपडेट में आपको देखेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024 फॉर फिलिंग अप वैकेंट एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में इसमें वैकेंसी है। लास्ट डेट जो है 27 अगस्त 2024 है। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास जो है वीडियो नहीं पहुंचा है, नोटिफिकेशन नहीं समय पर पहुंचा है, तो अभी भी जो है समय है, आप आवेदन करें। ठीक है, यहां पर क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस, तो अपना जो है नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे। और यहां अप्लाई करने का ऑप्शन भी यहीं पर है, इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट दो नए वैकेंसी के विज्ञापन जारी हुए हैं। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में ही जो है वैकेंसीज पर आप चले आएं। सबसे पहला जो विज्ञापन है जो कि 14 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। NCERT के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स की तरफ से एक विज्ञापन है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है जो कि 8 अगस्त 2024 का है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से है। ठीक है, अब एक एक करके जो है कवर कर लेते हैं इनको। सबसे पहले जो है हम इसे देख लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें पद का नाम है सीनियर रिसर्च एसोसिएट, SRA का पद है। और परीक्षा नहीं है आपको बता दिया मैंने, केवल इंटरव्यू है। इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू अर्थ साइंस की एक वैकेंसी जिसमें 27 अगस्त 2024 को आपका इंटरव्यू रहेगा। क्या काम करना होगा आपको, तो यहाँ पर बिल्कुल काम भी बता दिया है कि जो क्लास 6 से 12 तक की बुक्स होती हैं उनका जो सिलेबस होता है उनमें जो है जो भी डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्स्ट बुक हैं, अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं। ठीक है, तो इनमें जो है सुधार कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, बस इसी से रिलेटेड जो है आपकी काम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन इसमें अर्थ साइंस के लिए मास्टर डिग्री आपकी अर्थ साइंस में या जियोलॉजी में या इन्वायरमेंटल साइंस में या फिजिक्स में, या फिर इससे संबंधित और भी आपने अगर कोई मास्टर डिग्री किया है सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरी हैं जिनको छूट रहती है आयु में, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन में भी छूट मिलेगी। यानी 45% या 50% मार्क्स वाले आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप देख लें, नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा। ठीक है, 2 साल का जो है रिसर्च में अनुभव हो या फिर टीचिंग में, शिक्षण कार्य में अगर आपका अनुभव है। बहुत सारे कैंडिडेट जो कि 2 साल 5 साल जो है कहीं पर भी जो है पढ़ा लेते हैं तो उनके पास जो है सर्टिफिकेट आ जाता है एक्सपीरियंस का। वो आपके पास एक्सपीरियंस हो कम से कम 2 साल का, या कंटेंट डेवलपमेंट का आपके पास अनुभव हो, या एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस साइंस से संबंधित या इसी क्षेत्र में संबंधित आपके पास 2 साल का अनुभव है। मैंने आपको सभी बता दिए हैं ऑप्शन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में जो है कहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही, तो अभी जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं NCERT की जो वैकेंसी में। दूसरा जो है केमिस्ट्री के लिए जो एक वैकेंसी है, इसमें 27 अगस्त 2024 इंटरव्यू की डेट है। इसमें भी वही है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक जो सिलेबस रहता है उसमें जो है सुधार कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है। ठीक है, और भी जो है क्या प्रोग्रेस हो सकती है, तो डेवलपमेंट से संबंधित काम करना होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में या फिर इससे रिलेटेड डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ में जनरल कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेट क्वालिफाई हो या इससे संबंधित, अगर इससे
इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन है तो भी कर सकते हैं आवेदन 2 साल के अनुभव के साथ में, ठीक है, चाहे वह शिक्षण में हो। एज लिमिट इसमें 45 ईयर है, और देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें आयु सीमा में छूट रहेगी जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं। 35,000 35,000 पर मंथ जो है सैलरी इसमें दी जाएगी। नेट क्वालिफाई हैं या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है या पीएचडी आप कर रहे हैं। इंटरव्यू का टाइम जो है 11 बजे रहेगा, और यहाँ लिखा है नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर 11 AM। जगह इंटरव्यू की कॉन्फ्रेंस रूम फर्स्ट फ्लोर DESM जानकी अमल खंड DESM NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। तो ये जो है जगह रहेगी जहां आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। कोई फीस वगैरह आपको फिल नहीं करनी है। अभी जो है कैसे अप्लाई करेंगे ये समझें, इसमें ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, तो 31 मार्च 2025 तक जो है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट रहता है इसमें, तो NCERT में जो है वैकेंसी आती रहती है। आप जैसे ही ये पूरा होता है आप नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप जो है आवेदन कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसे आप लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। कहाँ से आप लोगों को ये पूरा नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ये मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। दूसरा आप देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक फोटोकॉपी के साथ में इस जगह पे आप पहुंच जाएं। दूसरा जो विज्ञापन 8 अगस्त 2024 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से, 6 सितंबर 2024 को खुला साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, जिसमें 4 SRA सीनियर रिसर्च एसोसिएट और 1 JPF जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। तो केवल मास्टर डिग्री चाहिए होता है JPF में। सीनियर रिसर्च एसोसिएट के जो 3 पद हैं जिसमें 1 इंग्लिश का है, इसमें मास्टर डिग्री 55% और नेट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में, 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। सोशल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या साइंस वाले या EVS जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है इसमें 55% मार्क्स के साथ में और नेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, इसमें भी 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। BLED, BEd जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। उर्दू के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ में और नेट 2 साल का अनुभव, ठीक है। 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, नेट आपने किया है या PhD किया है तो 35,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। अभी जो है बिना नेट PhD के भी आप जो है आवेदन करेंगे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में। सीनियर रिसर्च एसोसिएट का जो 1 पद है जिसमें मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में और नेट आपका क्वालिफाई हो एजुकेशन में या चाइल्ड डेवलपमेंट में या ECCE में या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। 2 साल का जो है प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्री प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ाया हो या प्राइमरी में पढ़ाया हो तो भी कर दें आवेदन। 45 ईयर तक के कैंडिडेट, आयु सीमा में छूट मैंने आपको बता दी, आयु सीमा में छूट जो है वो बिल्कुल दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। 35,000 इसमें सैलरी रहेगी। अब किसी ने अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया है, PhD नहीं किया है, तो जूनियर रिसर्च फेलो में अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें मास्टर डिग्री जो है हिंदी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ में जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट में होने जरूरी हैं, बस इतना ही चाहिए इसमें और कुछ नहीं। इसमें जो है उम्र 40 साल है और आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, PhD आप नहीं कर रहे हैं, तो 29,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। और इसमें भी जिनका जो है नेट या PhD क्वालिफाई है तो 31,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। अब कैसे आवेदन करना है, टाइम ऑफ इंटरव्यू इसमें 11 बजे 6 सितंबर 2024 को आपको पहुंचना है, 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाए। GB पेंट ब्लॉक 4 फ्लोर रूम नंबर 421। रजिस्ट्रेशन टाइम है ये, और उसकी जगह इंटरव्यू की जो जगह रहेगी तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4th फ्लोर रूम नंबर 406 GB पेंट ब्लॉक NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 16, ठीक है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है, यहाँ पर अनाउंसमेंट में वैकेंसी सेक्शन है,
इसमें प्रोजेक्ट स्टाफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो दोनों ही वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। थैंक यू।